मेथी की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले, उसमें तेल गरम करें। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक एक मिक्सर डालें और उसमें अदरक डालें और हरी मिर्च डालें और फिर थोड़ा सा जीरा डालें और फिर उसमें एक छोटा चम्मच सौंफ डालें और थोड़ा सा अजवाइन और फिर धनिया की हरी पत्ती डालें और फिर उसे पीस लें। देखिए ये कुछ इस तरह हो गया है। और फिर हम जो तेल गरम कर रहे थे ये सारी चीज़ें उसमें डाल दें। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हल्दी डालें, धनिया जीरा पाउडर डालें एक छोटा चम्मच और फिर कटा हुआ मेथी डालें। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर अब इसे ढककर पकाएं करीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छे से पक गया है। आपको ये सारा कुकिंग मीडियम फ्लेम पे करना है और अब मिक्सचर तैयार है। आंच बंद करें और उसे ठंडा हो जाने दें। फिर गेहूं का आटा लें, उसमें आधा कप बेसन डालें, नमक डालें स्वाद अनुसार और सफ़ेद तिल डालें। अब उबला हुआ आलू डालें, आलू को ग्रेट करके डालें और फिर उसमें दही डालें। और फिर हमने जो अभी मेथी की सब्जी बनाई थी वो इसे इसमें डालें और फिर मिक्स करें अच्छे से। अब इसका एक नरम आटा गूंथ लें इसमें। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालें। और फिर यहाँ हमारा आटा गूंद कर तैयार है। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लें। और फिर उसमें अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और उसे बेल लें। इसी तरीके से सारा बेल लें। और जब तक आप ये बेल रहे तब तक तेल रख दें गरम होने के लिए। जब भी तेल अच्छा गरम हो जाए फिर उसमें ये पूरियां डाल दें फ्राई होने के लिए। अच्छे से इसे फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे पकाएं, सुनहरा रंग आ जाए तब तक पकाएं। और हमारा मेथी का कचौरी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे इमली की चटनी के साथ, किसी सब्जी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।